स्वागत है आपके साथ, मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेलवे स्टेशन के आउटर पर प्रवासी मजदूरों की ट्रेन रुक रही। ट्रेन रुकती ही मजदूर शहपुरा बस्ती की तरफ भागते, जिससे शहपुरा में कोरोना वायरस संकट मंडरा रहा। रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, मजदूरों के लिए चलाए जा रहे श्रमिक एक्सप्रेस खड़ी हो रही भिटौनी आउटर पर, जिसके चलते ट्रेन में सवार भूखे प्यासे मजदूरों में नगर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे। जहां नगर के छोटे छोटे व्यापारियों द्वारा ट्रेन खड़ी होने की जानकारी लगते ही ट्रेन के इर्द गिर्द समोसा चाय फल जैसी सामग्रियां दुने दामों पर मजदूरों को बेच रहे। नगर में दहशत का माहौल बन रहा। मजदूरों के पास कोई सुरक्षा के उपाय नजर नहीं आ रहे और उनके मुंह पर मास्क भी नहीं है और ना ही कोई सुरक्षा का उपाय देखने को मिल रहा। जब ट्रेन रुकती तो नगर के छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारी ट्रेन के पास जाकर श्रमिक मजदूरों को समोसा गुटखा फल पानी बेच रहे। कब से चले हैं? कल नाइट, परसों नाइट में चले। परसों कहाँ जा रहे हैं? जाएगा यूपी मऊ। यहाँ पर आप लोग सामान लेने को उतर रहे हैं, कोई आपको डर नहीं लग रहा है? क्या खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, खाएंगे ना। कब से नहीं मिल रहा खाने के लिए आपको? कल रात से नहीं मिल रहा है। कल रात से खाने के लिए नहीं मिला है? नहीं मिला है। कोई रेल प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हुई आपकी? नाइट में को पाव रोटी दिया था इतना, वो भी ऐसे ही दिया था। कहाँ पर? नागपुर में। पर उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था उधर ही नागपुर में था, उसके बाद कुछ नहीं। रास्ते में कहीं नहीं? नहीं। शहपुरा बिटौनी, श्री राजेश शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में।